लखनऊ से डोरबेल ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के सभी अराकीन शहीदान करबला की खिदमत में खिराज अकीदत पेश करते हैं। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें। दरे हुसैन पर मिलते हैं हर मिजाज के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। जिक्र इमाम आली मकाम, मजहब व मसलक, मुल्क व मिल्लत, ज़बान व कौम, रंग व नस्ल, तहजीब व सकाफत, अलगरज हर तरह के इम्तियाजात से बालातर है। इस जिक्र से हर वो शख्स जुड़ा हुआ है जिसका ज़मीर जिंदा है, जिसकी फितरत बाकी और सालिम है, जिसकी रूह में हरारत और दिल में इंसानियत की तड़प है। यही वजह है कि दरे हुसैन पर मिलते हैं हर मिजाज के लोग, क्योंकि बिलाशुबा जिक्र इमाम हुसैन हिदायत का जरिया है, इंसानियत के फरोग का जरिया है, लोगों को अखलाकियात की तालीम और तरबियत देने का जरिया है, दीन इस्लाम की बका का जरिया है, कुरान करीम और उसके अहकामात और तालीमात के तहफ्फुज़ का जरिया है, इंसानी आला अकदार की बहाली का जरिया है। इस हवाले से देखें तो हर वो शय जो हिदायत का जरिया हो उसकी बका वाजिब है। हम ज्यादा नहीं, थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदत रखने वालों और उनसे मोहब्बत का इजहार करने वालों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे बल्कि गैर मुस्लिमों की एक बड़ी तादाद मिलती है, जिनमें शोरा भी हैं, अदीब भी हैं, मुफक्किर भी हैं, सियासतदान भी हैं, ताजिर भी हैं, मुलाजिमत पेशा भी हैं। माजी के हर दौर में एक ऐसी बड़ी तादाद मौजूद रही है जो शहीदान करबला के नाम पर होने वाली मजालिस में बिला खौफ व खतर और बिला झिझक पूरी अकीदत और मोहब्बत और खुलूस के साथ शिरकत करते थे। गैर मुस्लिम शोरा के मरसिए और कसायद उर्दू अदब की तारीख का बेशकीमती हिस्सा है, न सिर्फ लिखते थे बल्कि उसी अकीदत और मोहब्बत से उसे पेश भी करते थे। मरसिया खानों में और साहिबान बयाज में अहले सुन्नत और गैर मुस्लिम हजरात पेश पेश रहा करते थे। कल जब मीडिया इतना पावरफुल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, टीवी चैनल्स नहीं थे, अखबारात की इतनी भरमार नहीं थी, लेकिन जिक्र इमाम हुसैन की मजलिसें थीं। इन मजलिसों में सबका आना जाना था, सबकी अकीदतें थीं, सबका खुलूस शामिल था। और आज जब मीडिया पावरफुल है, टीवी चैनलों के साथ साथ अखबारात और यूट्यूब चैनलों की भरमार है, उलमा और जाकिरीन की तादाद भी पहले से कहीं ज़्यादा है, लेकिन इस मीडिया से इमाम हुसैन के ताल्लुक से हम वो काम क्यों नहीं ले पाए या क्यों नहीं ले पा रहे हैं जो लेना चाहिए था। इस्तिस्ना हो सकता है, लेकिन क्यों आज का मंजरनामा चीख चीख कर ये कह रहा है कि जिक्र इमाम हुसैन सिर्फ एक खास मकतब फिक्र या एक खास मजहब या एक खास मसलक के साथ मखसूस और महदूद हो गया है या कर दिया गया है। क्या वजह है कि गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम बल्कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर होने वाली इन तारीखी मजालिस से दूर होती जा रही है? वो कौन सा खौफ, खतरा या दहशत है जो उनको मजालिस तक लाने में माने है? इस सिलसिले में सबसे पहले साबिक कारगुजार वजीर आला उत्तर प्रदेश डॉक्टर अम्मार रिज़वी से बात की तो उन्होंने बिला तरद्दुद शिया कम्युनिटी और बाज़ ज़ाकिरीन को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मैं समझता हूं कि इसमें गैर मुस्लिम या अहले सुन्नत हजरात की गलती नहीं है, बल्कि जिस तरह से करबला का पैगाम हमें पहुंचाना चाहिए उस तरह से हम नहीं पहुंचा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि हम लोगों से क्या मुराद है, फरमाया कि हम लोगों से मुराद हमारी कम्युनिटी है। फिर फरमाया कि दूसरी बात यह कि ज्यादातर ज़ाकिरीन ने बजाय इसके कि इल्म और मुताले का सहारा लेते, उन्होंने अपनी बात को उस दायरे में रखा जो सिर्फ एक खास अकीदे के लोगों तक महदूद है, जिसकी वजह से करबला के मैसेज की बैन अल-अक़वामी हैसियत हुई और वो सिर्फ एक खास बल्कि शियों में भी एक खास ज़हनियत रखने वाले लोगों तक महदूद होकर रह गया। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि गैर मुस्लिम हजरात ने शुहदाए करबला के बारे में इतना लिखा है और इतनी अकीदत से लिखा है कि उसकी मिसाल कम मिलती है। गांव में आज भी ताजियादारी ज्यादातर हिंदू और अहले सुन्नत हजरात करते हैं और जिस अकीदत से करते हैं, जिस तरह से इमाम हुसैन का गम मनाते हैं और उनकी औरतें रात रात भर जागती हैं, उस अकीदत को हम अपने हम अकीदा लोगों में भी कम पाते हैं। गलती हमारी है कि हम करबला के मैसेज को वसीह तर इंसानी वफादात के तनाजुर में नहीं पहुंचा पाए, जबकि एक ज़माने में लखनऊ ही में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ज़ाकिरीन की ऐसी कोशिश होती थी कि करबला का दर्स और उसका पैगाम सब तक पहुंचे। जब उनसे पूछा गया कि आपने ये गांव की बात की कि वहाँ गैर शिया शियों से ज़्यादा आज़ादारी करते हैं, लेकिन शहर की सूरत हाल क्यों आज मुख्तलिफ है? अब पढ़े लिखे लोग मजलिसों में नहीं जाते या वो डरते हैं? ख़ास तौर से लखनऊ के हवाले से बात करें तो इसकी क्या वजह है? क्यों हम सबको जोड़ने में नाकाम हुए और उन्हें दूर करने वाले कामयाब हो गए? क्या उनके अंदर इमाम हुसैन की अकीदत और मोहब्बत कम हो गई?
कई लोगों ने यह बात कही कि मजालिस में कुछ लोग साफ साफ और कुछ लोग इशारातन ऐसी बातें कहते हैं जिनसे हम लोगों के दिल को तकलीफ पहुंचती है, तो जब आप हमें गाली भी देंगे तमस्सुर का निशाना बनाएंगे तो हम आपका मैसेज क्यों सुनेंगे। अब मालिक भी कहते हैं एक जमाने में मुहर्रम सब साथ मनाते थे, शिया और सुन्नी के ताजिए साथ जाते थे। ये मजलिसें एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसे बहुत सोच समझ कर बनाया गया था, जहाँ से 365 दिन इमाम हुसैन के पैगाम को, जुल्म के खिलाफ जो उनकी कुर्बानी थी उसको बयान करने के लिए एक फोरम था, एक प्लेटफॉर्म था। उसे हमने एक खास अकीदे या तंग नजर लोगों तक महदूद कर दिया तो जाहिर है कि लोगों का आना जाना बंद हो गया। आज आप देखें कि आज मजलिसों में सिवाय शियों के बहुत कम सुन्नी और दूसरे लोग आते हैं। जहां तक लखनऊ का ताल्लुक है तो यहां का मुहर्रम एक तरह से कमर्शियल और एक फिरके और एक तबके का मुहर्रम होकर रह गया। ये वो मुहर्रम है ही नहीं। अगर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मैसेज सिर्फ अस्ना अशरी तक महदूद कर देंगे तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। इमाम हुसैन ने सिर्फ शियों के लिए कुर्बानी नहीं दी थी, ये बात समझ लेना चाहिए कि इमाम हुसैन की कुर्बानी सारी इंसानियत के बका के लिए थी। डॉक्टर अमार रिजवी से उन्हीं की गुफ्तगू से पैदा होने वाला सवाल दोहराया गया कि ये बात अवाम और हमारे वो जाकिरीन क्यों नहीं समझते। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे जाकिरीन हजरात माफ करें, हमारे अक्सर जाकिरीन का अपना अपना दायरा बन गया है और उसी सर्किल के अंदर वो रहना चाहते हैं। एक वो जमाना था कि अल्लामा शिबली नौमानी जैसे आलिम मीर अनीस और मिर्जा रबीर के मरसियों की मजलिसों में आया करते थे। आप उन मरासी को पढ़ लीजिए, क्या कहीं किसी पर कोई तंज या तनकीद है। जोश ने कहा था हरचंद अहले जौर ने चाहा ये बार रहा, हो जाए महव यादे शहीदान करबला, बाकी रहे न नाम जमी पर हुसैन का, लेकिन किसी का जोर अजीजो न चल सका, अब्बास नामवर के लहू से धुला हुआ, अब भी हुसैनियत का अलम है खुला हुआ। तो ये जो मैसेज था इमाम हुसैन का बकौल जोश के, ये हम पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो हुजूर वाला गिरेबान में मुंह डालकर देखिए हम लोग ही हैं और वो तंग नजर उलमाए किराम हैं जिन्होंने इमाम हुसैन को एक खास फिरके में या खास महल्ले में या एक खास खाने में कैद कर दिया। डॉक्टर अम्मा रजी ने कहा कि ये कौम की बदनसीबी है कि जिक्र इमाम हुसैन को उस दायरे से निकलने ही नहीं देते। और क्यों निकलने दें, उनके लिए तो ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। ये मुर्गी अगर हाथ से निकल गई तो अंडे दूसरे लोग उठा लेंगे और उनका बड़ा खसारा होगा। उन्होंने कहा कि माफ कीजिएगा, मैंने मिसाल बहुत वैसी दी है लेकिन ये हकीकत है। और साहब ये मुर्गी ऐसी है जो 365 दिन अंडे देती है, यानी साल भर अंडे देती है। इमाम हुसैन और करबला के ताल्लुक से अपने पैगाम में डॉक्टर अम्मा रिजी ने कहा कि करबला एक दरसगाह है, करबला महज एक मजहबी जद्दोजहद या संघर्ष नहीं है। जहां जहां पर ज्यादती हो, जहां जहां किसी भी किस्म का जुल्म हो रहा हो, वहां वहां करबला का मैसेज आज भी रेलिवेंट है। आज का पैगाम ये है कि इमाम हुसैन का नाम जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, कौमी यकजहती के लिए, बल्कि बैनुल अक़वामी यकजहती के लिए इमाम हुसैन का नाम, उनका फोरम, उनकी मजलिस और उनका मैसेज उससे बड़ी कोई चीज मुसलमानों के पास नहीं है जिसे बैनर के अंदर वो सबको एक जगह पर इकट्ठा कर सकते हैं। तो मेरी अपील है तमाम उन हजरात से जो कि इमाम हुसैन पर यकीन करते हैं कि इमाम हुसैन का सही पैगाम जो है वो आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करें। इस सिलसिले में अहले सुन्नत के इदारे इशात हक के रूह रवा शेख फरासत कहते हैं अहले सुन्नत हजरात जिक्र अहले बैत या फज़ाइल अहले बैत जी जी सुनने के लिए जाते थे मजालिस के अंदर जी, वक़्त मजलिसों में जी मुनाज़रा नहीं होता था, तबर्रा नहीं होता था जी, सुनने के लिए इन मजालिस में सवाब की नियत से शिरकत करते थे। उस वक्त उन मजलिसों में मुनाज़रा और तबर्रा नहीं पाया जाता। उसके बाद में मजालिस के अंदर खिलाफत इमामत और अबू बकर और उमर जी और असहाबे रसूलुल्लाह पर तबर्रा होने लगा जी। आहिस्ता इन मजालिस से दूर होते चले गए। वो कहते हैं कि इसकी शुरुआत दिल्ली के एक मौलवी मकबूल अहमद ने की थी। ये मौलवी मकबूल अहमद ही थे जिन्होंने बिलखसूस लखनऊ की मजलिसों को नया रुख दिया और शिया सुन्नी अलग हो गए, करबलाएं अलग हो गईं। लेकिन आज भी जहां जाकिरीन और वाइजीन अपने रूए सुखन को उन लघवियात और फजूलियात से मुबर्रा रखते हैं और फजाइल व मसाइब के साथ साथ इस्लाह मआशरा, एहतिसाब नफ्स, किरदार साजी और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर जोर देते हैं, वहां देखिए अहले सुन्नत हजरात एक बड़ी तादाद आपको आज भी मिल जाएगी। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुकीम शायर अहले बैत अम्मार मक्सी इस सिलसिले में अफसानवी अंदाज में कहते हैं कि शियों के इमाम बारगाह के बाहर सुन्नी सबीले लगाए खड़े थे, हर तरफ अमन और भाईचारे की फजा कायम थी। फिर एक फिरका परत जाकिर लैंड क्रूजर से उतरा, गरीबुल गुरबा के मिंबर पर आया और जोश खिताबत में पहले खलीफा को काफिर, फासिक और फाजिर करार देकर चला गया।
दूर होने वालों को वापस लाने और इमाम आली मकाम के मजलिसों से दोबारा जोड़ने का काम आज भी किया जा सकता है। शर्त इतनी है कि करबला के दर्स और उसके पैगाम को खुद भी समझ लिया जाए और कौल व अमल से इस बात का सबूत भी पेश किया जाए कि इमाम हुसैन और उनका पैगाम और उनकी अजीम कुर्बानी सिर्फ एक कौम या एक मजहब या एक मसलक के लिए नहीं, मजालिस में इस पैगाम को आम किया जाए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी सिर्फ शियाइत के लिए नहीं थी या सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं थी बल्कि इंसानी वकार और अजमत के तहफ्फुज और बका के लिए थी। करबला से इंसानियत और इंसानी कदरों और हुर्रियत पसंदी का जो दर्स मिलता है, इमाम की कुर्बानी का जो मकसद अजीम है, उससे नई नस्ल इंसानी को रोशनास कराया जाए, खुद भी ये समझा जाए और दूसरों को भी ये समझाया जाए कि जिस तरह नबी की नबूवत किसी एक कौम या कबीले के लिए नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह इमाम अलैहिस्सलाम की इमामत भी तमाम आलम बशरियत व जिन्न व इंस के लिए होती है। जमशेद खान कहते हैं कि इमाम हुसैन की सीरत तय्यबा का हर गोशा हमारे लिए मिसाल राह है, उनका पैगाम और उनकी सीरत तमाम इंसानों के लिए है। अगर हमारे मुल्क में रिश्वत का बाजार गर्म है तो उसमें मुलव्विस लोगों का ताल्लुक यजीद से है। अगर हमारे इलाके में फिरका वारियत की लानत मौजूद है और हम उसे तकवीयत पहुँचा रहे हैं तो किसी तरह भी हम हुसैनी नहीं कहला सकते। अगर हम मजहब के नाम पर बेगुनाह लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं तो यकीन कीजिए कि हम यजीद के आलाकार हैं और हुसैनियत से हमारा दूर कभी वास्ता नहीं। अगर हमारे वाइजीन या मसनत नशीन लोग फिरका वारियत को हवा दे रहे हैं और इलाके में बद अमनी फैलाने का जरिया बन रहे हैं तो हमारा फर्ज है कि ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करें, क्योंकि हुसैनी मिशन नफरतें फैलाना नहीं बल्कि मोहब्बतें फैलाना है और जो लोग नफरतें फैलाने का बाइस बनते हैं तो गोया वो हुसैन के मिशन से इनकार कर रहे हैं। बिलाशुबा मुहर्रम का महीना मुसलमानों से तकाजा करता है कि दूसरे महीनों की निस्बत इस महीने में एक दूसरे से ज्यादा मोहब्बत और अखुवत का मुजाहरा करें, जबकि उसके बरअक्स मुसलमान सबसे ज्यादा इसी महीने में इंतिशार और अदम रवादारी का शिकार हो जाते हैं। हमारी मजलिसें पुलिस के साए में होती हैं, हमारी अखलाकी पस्ती इमाम आली मकाम के फरमुदा से इन्हिराफ का मुंह बोलता सबूत है। अगर हमने अपने इन रवैयों में तब्दीली नहीं की तो रोज़े महशर इमाम आली मकाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। लिहाजा हमें आपस में तो गरीबा होने के बजाय बातिल कुव्वतों के खिलाफ मुत्तहिद होने की जरूरत है। एक दूसरे से नफरत करने के बजाय प्यार मोहब्बत और वहदत का इजहार करने की जरूरत है। अमल का यही रास्ता सुन्नत शब्बीरी की शाहराह की तरफ ले जाता है। मकौले वक़ार रिज़वी, आज भी वक्त है कि हम सब बेदार हो जाएं और ये समझने समझाने की एक दूसरे को कोशिश करें कि करबला की कुर्बानी एक वक्त मुआयना के लिए नहीं थी, न एक मसलक के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। जब तक के इंसान इस रूए ज़मीन पर बाकी है तब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र भी होता रहेगा, इसे कोई चाह कर भी रोक नहीं सकता। बस ज़रूरत है तो इस बात की कि हम करबला से मिलने वाले दर्स को न सिर्फ जहनों दिल में बिठाएँ बल्कि अमलन भी उसका नमूना पेश करें, वरना मुसलमानों के बारे में यही कहा जाता रहेगा कि मंजर भी मुसलमान, पसे मंजर भी मुसलमान, गर्दन भी मुसलमान है तो खंजर भी मुसलमान, क्या गुजरेगी इस्लाम की कश्ती पे खुदारा, तूफान भी मुसलमान है, लंगर भी मुसलमान, सर काटने वालों को भी है दावा इस्लाम, कटते हैं जो हर रोज वो है सर भी मुसलमान, तारीख है शाहिद की बड़ा फर्क था उनमें, तारीख है शाहिद की बड़ा फर्क था उनमें, लाखों भी मुसलमान थे 72 भी मुसलमान। मौजूदा दौर के तकाज़ों की रोशनी में खुद को खादिम अहल बैत नबवी लिखने वाले अकीदुल गरज़ी की तहरीर से ये इक्तिबास ज़रूरी मालूम होता है कि आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अदाकारी के मिंबरों से माजी के मसायब को याद दिलाने के साथ साथ हाल के मुश्किलात और मसायब को भी तश्तज़बाम करने की ज़रूरत है। आप लिखते हैं कि हमारे मिंबरों का रूए सुखन सिर्फ शियों या सिर्फ मुसलमानों की तरफ नहीं बल्कि आम इंसानों की तरफ होना चाहिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गहरे गम की पुरअसर कोशिश के साथ हमें सभी इंसानों के ज़मीरों को बेदार करने की जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। हमें अपने वजूद के साथ और अपने तमाम तर इम्कानात के साथ ये कोशिश करना चाहिए कि इस रूए ज़मीन पर बसने वाला कोई एक फ़र्द बशर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम और आपके प्याम से ना वाकिफ न रह जाए, तभी इस शेर की हक्कानियत और अमली तफसीर और तस्वीर सामने आ सकेगी और इस शेर की सदाकत रोशन होगी कि दरे हुसैन पर मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। लखनऊ से डोरबेल ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के सभी अराकीन शहीदान करबला की खिदमत में खिराज अकीदत पेश करते हैं। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।